आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। कोपागंज क्षेत्र के कस्बा के कसारा मोड़, सहरोज और कन्यारीपुर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राइस मिल के बड़े बकायेदारों पर सदर तहसीलदार द्वारा आरसी कटने के बाद सोमवार को मौके पर पहुंच जमीन एवं वाहन की कुर्क की कार्यवाही की गई, जिससे अन्य बकायेदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। वही अधिकारियों द्वारा कार्यवाही देख भीड़ लग गई, जिसकी नीलामी तहसील सभागार में 29 और 30 दिसंबर को किया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बकायेदारों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यवाही की जा रही है। ब्लॉक के सहरोज स्थित अच्छेलाल साहनी ने 13,49,000 का स्टाम्प शुल्क नहीं जमा किया था। सदर तहसीलदार संजीव यादव तथा नायब तहसीलदार अनुराग सिंह के नेतृत्व में युवक की जमीन गाटा 101 10,91,409 33/2 जमीन को कुर्क किया गया, जिसकी नीलामी 30 दिसंबर को तहसील सभागार में किया जाएगा। इसके बाद कोपागंज के कसारा मोड़ स्थित साहू इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर विनोद गुप्ता पुत्र अलगू द्वारा खाद्य एवं रसद का 23,66,000 रुपया बकाया होने के बाद मौके पर उनके दो ट्रकों को कुर्क कर दिया गया। 30 दिसंबर को ट्रकों की नीलामी की जाएगी। वही वासु राइस मिल के प्रोप्राइटर माया देवी ने बकाया 1,38,000 रुपया मौके पर जमा कर दिया। इसके बाद कन्यारीपुर भेलाबाद स्थित शक्ति राइस मिल के प्रोप्राइटर रविंद्रनाथ यादव पुत्र सत्यदेव यादव पर खाद्य एवं रसद का 77,00,000 रुपया बकाया था। भेलाबाद मौज में जमीन जिसका गाटा संख्या 595,622,654,671,676,5 को कुर्क किया गया, जिसकी नीलामी 29 दिसंबर को तहसील सभागार में की जाएगी। इस अवसर पर 15 आमीन अनिल सिंह, दीपक शर्मा सहित अनेकों पुलिस कर्मी मौजूद थे। पूछने पर तहसीलदार संजीव कुमार यादव ने कहा, शासन के निर्देश के बाद बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, वही कार्यवाही जमा कराने तक चलती रहेगी। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं उस नीलामी में भाग लेकर इन ट्रकों को नीलामी सर्वाधिक बोली करके अपने पक्ष में प्राप्त कर सकते हैं। यादव निवासी भेलाबाद खाद रसद के बकाए के संदर्भ में भेलाबाद मौजे में खाता नंबर 158 गाटा संख्या 595,622,674,674 और 676 में अंश के मुताबिक इनकी नीलामी की जाएगी। तहसील सदर में 29/12/2022 को दोपहर 12 बजे और इस उपयुक्त भूमि को जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं वो नीलामी में हिस्सा लेकर अपने पक्ष में नीलामी प्राप्त कर सकते हैं। रसद के वाकीदार रविंद्रनाथ यादव पुत्र सत्यदेव यादव ग्राम कन्यारीपुर के 77,09,860 रुपये का बकाया था, जिसके बकायेदार के विरुद्ध पूर्व में कार्रवाई की गई। तहसील सदर के द्वारा इनके संपत्ति की कुर्की जारी कर दी गई है और उसी के क्रम में 29/12/2022 को अचल संपत्ति की नीलामी तिथि नियत की गई है। जो भी इच्छुक नीलामी में भाग लेने वाले लोग होंगे वो नीलामी में भाग लेकर बोली लगाकर सर्वाधिक बोली बोलकर अपने पक्ष में अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं।